वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी जनवरी मंथ में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी देखेंगे, और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने प्रभु को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको मैसेजेस दें। सबसे पहले हम आपकी देखते हैं पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स। वर्गो कन्या राशि, जनवरी 2022, जनवरी मंथ कैसे रहेगी लव लाइफ। कितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज बताइए। फर्स्ट है एम्प्रेस, टू कार्ड्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चॉइसेस हैं आपके पास। मैं कहूँगी क्रॉस रोड्स पे होंगे, क्रॉस रोड्स पे हैं आप वर्गो कन्या राशि। कुछ डिसीजंस लेना है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या मैं कहूँगी डिसीजन अगर ले चुके हैं तो उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपकी लव लाइफ के लिए देखा जाए तो। और यस, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे, सबसे फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है हमारे पास, ठीक है। ये एक बहुत ही मदरली नेचर है, और या आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, मैं कहूँगी जो फेमिनिन साइड है, वो उभर के बाहर आने वाली है जनवरी मंथ में। आप बहुत लविंग नेचर के, बहुत केयरिंग नेचर के होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो द एम्प्रेस का कार्ड है, ये मदर गाया का है, वो पावर, एक मैं कहूँगी पावर आपके हाथ में यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत वाइज सोल बन रहे हैं आप, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में कहूँगी बहुत ही अबंडेंट होने वाली है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, ये बहुत ही कंप्लीट कार्ड होता है। और आप लोगों की मैं कहूँगी, आपकी मदर, खासकर जो आपकी मदर हैं, उनका आपके साथ रिश्ता बहुत ही ज़्यादा क्लोज, वैसे तो देखा जाए तो देखिए जो मदर होती हैं उनके साथ क्लोज ही होता है, लेकिन मैं कहूँगी और बेहतरीन आपका उनके साथ जो रिश्ता है वो बनने वाला है। और या और आपकी मदर का यहाँ पे मुझे पूरा आशीर्वाद मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ, वो स्टेबिलिटी, वो खुशियाँ वापस आ रही हैं यहाँ पे। लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई फेस्टिवल कहें, या कुछ कोई
फंक्शन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन की और साथ ही साथ स्टेबिलिटी का भी ये कार्ड होता है. 4 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी का कार्ड होता है. तो ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है. देखा जाए तो चीज़ें, हैप्पीनेस, खुशियाँ जो है वो बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिड लाइफ हो. ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है विद द 3 नंबर एंड द एम्प्रेस कार्ड, यहाँ पे आपकी फैमिली ग्रो कर रही है. इसके साथ ही हमारे पास 3 एंड 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है. तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली में किसी मेंबर का जुड़ना, समझ रहे हैं, कोई मेंबर, कोई पर्सन आपकी फैमिली में जुड़ रहा है. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है बेबी अडॉप्ट करें, और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे लिटरली या यहाँ पे फर्टिलिटी है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है. यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्रो हो रही हैं चीज़ें, खुशियाँ बढ़ रही हैं, आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और या और आप बहुत ही मदरली नेचर में आ रहे हैं. अगर आपकी सिचुएशन में कुछ भी मैं कहूँगी, अगर अप एंड डाउन चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहा है, तो यहाँ कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है. आप जनवरी मंथ में, आने वाले मंथ में जो है, आप बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ उस चीज़ को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आप ये स्ट्रेंथ का कार्ड देखें, 8 नंबर का कार्ड है ये जो लेडी है इस लाइन को कैसे कंट्रोल कर रही है और कितनी काम है, कितनी सेटिस्फाइड है. एक मैंने बोला ना, एक मदरली नेचर आपकी अंदर, एक वो प्रेम भाव जो है वो जागृत हो रहा है. और ये ऐसी नेचर है कि किसी भी टफ सिचुएशन को बहुत ही प्यार से हैंडल कर लेना, और बहुत ही इजी, आपके लिए कोई टफ सिचुएशन नहीं है वो, समझ रहे हैं, बहुत ही इजी. और यस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, वो सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है. लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, यहाँ पे 10% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, या 20% लोग जो हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं. हो सकता है आपको मैरिज को लेकर के अपनी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं, या हो सकता है आपके पास कुछ चॉइसेस हो या कुछ डिसीजन लेना हो, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. और लिटरली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई कोर्ट केस चलता हुआ भी नज़र आ रहा है, जिस वजह से, क्योंकि हमारे पास दी हायरोफेंट की भी एनर्जी यहाँ पे आई है. तो आप लोग जो हैं थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, कोई स्टेप उठाने को लेकर के, समझ रहे हैं, अपने मैरिज से रिलेटेड कोई ऑप्शन है या किसी क्रॉस रोड्स पे है कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ डिसीजंस यहाँ पे जो है, थोड़ा कन्फ्यूजन्स है डिसीजन लेने में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, 20% लोगों के लिए. ठीक है, ऑल इन ऑल देखा जाए तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ब्लिसफुल रहने वाली है. ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, आपकी खुशियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. 4-3 देखिए, ओह माय गॉड, सी मैंने ये देखा ही नहीं. 3-3-3 ये माइंड बॉडी स्पिरिट, ये बैलेंस, मैं कहूँगी आपका माइंड बहुत शांत रहने वाला है, बहुत बैलेंस रहने वाला है फिजिकली देखा जाए. जबकि मैं अभी आपका आगे हेल्थ के लिए भी निकालूंगी, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है फिजिकली आप बहुत फिट रहने वाले हैं. ठीक है, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस, हर तरह से बैलेंस, इमोशनली फुलफिलमेंट, अबंडेंट फाइनेंशियली, आपको वो सेटिस्फेक्शन, सपोर्ट, इवन यहाँ पे मुझे आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है. अगर कुछ लोगों के यहाँ पे घर वाले या फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स अगर आपकी मैरिज के लिए मान नहीं रहे थे, अगर आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड. देख रहे हैं जो चीज़ें अभी टफ हैं, आप बहुत ही प्यार से उन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, उन चीज़ों को कवर कर लेंगे. तो यहाँ पे इशू कोई भी नहीं है, चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, खुशियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रही हैं. ठीक है, चलिए अब आपके लिए देखते हैं वर्गो, आपका करियर कैसा रहेगा. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच. करियर कैसा रहेगा वर्गो, वर्गो के लिए जनवरी मंथ में कैसा रहेगा करियर. थैंक यू. Strength, okay. Next, please.
हमारे पास टू टाइम यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ पे वो पावर आपको मिल रही है, या द वर्ल्ड का कार्ड, कंप्लीशन। यस, आप उस पावर में हैं, और यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ विशेज हैं आपकी जो आप चाहते थे पूरी हों। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, कुछ जो भी है आपका, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी विश है आपकी, यहाँ पे पूरी हो रही है। अगेन मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे स्टार का कार्ड है, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और अपने लिए विश मांग लीजिए। वर्गो, सब में नहीं आता है ये, विश मांगिए। ओके, आई होप आपने विश मांग ली होगी। तो यस, जो भी विश आप यहाँ पे मांग रहे हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि वो आपकी सभी विशेस को पूरा करें। जो भी आपने मांगा है, सच्चे दिल से मेरी प्रार्थना है कि वो आपकी विशेस को पूरा करें। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे वो स्ट्रेंथ, मैंने क्या बोला, अगर कुछ भी जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में था, उसी तरीके से यहाँ पे वो स्ट्रेंथ, वो पावर आप में आ रही है। अगर कुछ थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है तो उसे आप अपनी पावर से हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी वो विश पूरी होते हुए, आप एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, और आप बहुत हैप्पी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे जनवरी मंथ में, क्योंकि वो कंप्लीशन हो रहा है, जो चीज़ आपने मांगी थी वो आपको मिल रही है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी पहले से है, और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी जो है आ रही है। ये है अपनी पावर में आना, जैसे कि एट नंबर का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा ही रहा है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी पावर को पहचान रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक स्टैंड अप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपने वो पहले से ही स्टैंड ले लिया है। देखिए यहाँ पे दो तरह के लोग हैं करियर के लिए जो देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो चुकी है कुछ चीज़ें, कि आपने वो स्टैंड लिया, आपने वो स्टार्ट करा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो चीज़ आप करना चाहते थे, जो आप जिस करियर में आप जाना चाहते थे, या जो काम आप करना चाहते थे, उसके लिए आपने स्टैंड लिया। बहुत लोग आपके खिलाफ थे, हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके जो भी आसपास के लोग हैं उस चीज़ के खिलाफ हो, लेकिन आपने अपने लिए वो स्टैंड लिया और आप आगे बढ़े। अब वो कंप्लीशन का वक्त है, और कुछ लोगों के लिए ये स्थिति आ रही है क्योंकि आप कंप्लीशन मोड पे हैं। समझ रहे, आपका कंप्लीशन होने वाला है, तो आप अपने लिए वो स्टैंड लेते हुए दिखा रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। अगर आप इस गर्ल का एटीट्यूड देखें तो देख रहे हैं, चाहे कुछ भी, ये अपनी बाउंड्रीज जो है क्रिएट कर चुकी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे पता है कि मुझे क्या करना है, और मुझे मेरी जगह से कोई नहीं हिला सकता। इसमें वो पैशन है, वो फायर है। आप देख रहे होंगे कि जो स्टिक इसने पकड़ रखी है, ऊपर फायर देख रहे हैं आप, तो वो फायर है इसमें। और वो उस जोश के साथ अपने उस काम को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये एक पैशनेट, मैं कहूँगी एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके करियर में। और यहाँ पे अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी विश थी आपकी, जो भी मांगा था आपने, चाहे आपने वो प्रमोशन मांगी थी, या मैं कहूँगी, या एक चीज़ और जो भी मांगी थी, वो अगर आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी हुई, क्योंकि यूनिवर्स हमारे पहचानते हैं, हमारे प्रभु जानते हैं कि हमारे हाईएस्ट गुड के लिए क्या अच्छा है, तो मिलेगा आपको वही जो जिसके लिए आप डिस्टाइंड हैं। समझ रहे हैं आप? तो वहाँ पे वो चमक देख रहे हैं आप, वो रोशनी, एक स्टार, वो कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे वो फेम जो चाहते थे, उसके लिए वो आप स्टैंड ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और मैं कहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ आपका रहेगा। और डेफिनेटली ये जो भी काम है, ये आपका पैशन है, समझ रहे हो? और आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, ये तो क्वीन ऑफ कॉन्फिडेंस ही है। ये तो अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, ये कॉन्फिडेंस से भरपूर। ओ वाई, ये देखिए मैंने आपको क्या बोला कि वो फेम, लिटरली कुछ लोगों के लिए वो फेमस होना। समझ रहे हैं? अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, सिंगिंग, डांसिंग, या समथिंग कुछ, या मैं कहूँगी आपको बेसिकली जो भी काम आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप
लोगों के बीच में आकर के कोई काम कर रहे हैं या ऑन स्क्रीन काम कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनके लिए तो है, लेकिन जो पीछे से भी या कहूँगी अपने करियर में भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, आपको पहचाना जा रहा है, आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, ये वो फेम है, लोग मतलब लोगों की नज़रों में आप आ रहे हैं कि यस इसने ये काम करा, इसने ये कर दिया, समझ में आ मेरी बात। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है आपका करियर के लिहाज से, वेरी नाइस। चलिए और देखते हैं आपके लिए वर्गो, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके ये आना चाहता आई थिंक। ओके फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एक और पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टेंशन से मैं कहूँगी थिंकिंग थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। कुछ लोगों को मैं कहूँगी हो सकता है सर में दर्द हो और सो सॉरी सर में दर्द हो, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग हो सकता है या सोशल मीडिया पे ज़्यादा आप अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा, मैं आपको या अपनी आँखों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, आँखों का ध्यान रखिएगा, और फायर से थोड़ा बच के रहने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कीजिए, खास करके जब आग जलती है तो उसका जो धुआं निकलता है, समझ रहे हैं, उससे आपको अपनी आईज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये स्ट्रेस से बचने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिमाग तौर पे समझ रहे हैं आप, स्ट्रेस स्ट्रेस दिखा रहे हैं, वो मुझे स्ट्रेस से बचना है। ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ देखी जाए तो वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारी फिजिकल बॉडी पे भी फ़र्क डालता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, बस थोड़ा स्ट्रेस वगैरह से आपको थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, और आईज का ख्याल रखिए अपना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। हो सकता है कुछ लोगों की आईज में प्रॉब्लम हो, आंखों से पानी आना, आंखें भारी होना, समझ रहे हैं मेरी बात, आंखें दर्द होना, आईज आईज से रिलेटेड मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है। चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज। जनवरी मंथ, वर्गो, कन्या राशि, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप वर्गो, क्या वर्गो को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप जनवरी मंथ। थैंक यू, ओके थ्री कार्ड्स आए हैं हमारे पास। फर्स्ट है सक्सेस, ओके एग्जिस्टेंस, गोइंग विद द फ्लो, या वेरी नाइस, मैच्योरिटी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, स्टेबिलिटी, मैंने बोला ना वो स्टेबिलिटी। देखिए देखिए ये जो मैंने आपको बोला ना स्ट्रेस से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको एंजल्स भी आपको यही बता रहे हैं। यस कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, और ट्रैवलिंग जो है कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं आप जनवरी मंथ में, काम के सिलसिले से कहें या वैसे कहें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आ रही है, सक्सेस आ रही है, वो फेम मिल रहा है आपको, रिकोगनाइज किया जा रहा है। मैं कहूँगी ये वो काम है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके करियर में भी स्ट्रेंथ कार्ड था, और वो यही दिखाता है कि वो मुश्किल काम, वो टफ सिचुएशन पर आपने विजय प्राप्त कर ली, और आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, वो सक्सेस, वो रिकॉग्निशन। ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी यही कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वो सक्सेस मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, जो आप काम कर रहे हैं और जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, वो सफलता आपको मिलेगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को जानते हैं, आपको पता है अपनी विश को कैसे पूरी करना है, आपने पूरी प्रार्थना करी है, मैं कहूँगी आपने विशेज मांगी है यहाँ पे
प्रभु से, तो वो पूरी होने जा रही है। बस आपको अब फ्लो के साथ बहते जाना है। आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट बनाए रखिए यूनिवर्स पे, ठीक है? यूनिवर्स से ट्रस्ट नहीं हटाना है। आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जो आपने काम करा है उसमें आपको वो सक्सेस, वो रिकॉग्निशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट बनाए रखिए और जैसे चल रहा है चलते रहिए आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं, यूनिवर्स भी बता रहे हैं, वो मैच्योरिटी, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैच्योरिटी कार्ड जो बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से बहुत लोग यहाँ पे ढेर सारी मनी जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो है गाया से टच में रहें, ठीक है? मदर अर्थ गाया से टच में रहें, ग्राउंडिंग करें, और थोड़ा अगर हो सके तो ग्रास पे चलने की कोशिश करें, पेड़ों को टच करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें अगर ये कर सकते हैं, अगर नहीं तो इंडोर प्लांट्स हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और ग्राउंडिंग करें। मदर अर्थ की आपको ग्राउंडिंग के आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगी, प्लीज़ उन्हें करें। ये एनर्जी जब आती है तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि देखिए ये ग्राउंडिंग क्या होता है, ये चीज़ों को परमानेंट करते हैं। ग्राउंडिंग क्या है कि हमारी मटीरियलिस्टिक जो अबंडेंस होती है, जैसे मनी हो गई, पैसा, जो भी चीज़ें मटीरियलिस्टिक होती हैं जो इस 3D वर्ल्ड में हैं, उसको परमानेंट करने के लिए होती हैं। ग्राउंडिंग होती ही इसलिए, ये होती है आपके रूट चक्रा के लिए है। रूट चक्रा हमारे मटेरियलिस्टिक अबंडेंस से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस में रहे। ईगो नहीं आने देनी यहाँ पे आपको, ठीक है? क्योंकि वहाँ यहाँ पे वो मैं देख रही हूँ वो रिकॉग्निशन आपको मिल रही है और फेम आपको मिल रहा है, और इसके लिए आपको यही बोला जा रहा है कॉन्शियसनेस। देखिए मेडिटेशन कीजिए, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करनी है आपको। मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाइए, उससे आप बहुत, आपकी नेचर बहुत हम्बल बनेगी। आप जो भी कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी करियर, ऑल ओवर लाइफ जो देख रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल आ रही है, तो उसके लिए आपको अपने आप को भी बैलेंस रखने की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट, ये भी बैलेंस का कार्ड है, ठीक है? तो अपनी एनर्जीज को यहाँ पे बैलेंस कीजिए, और बैलेंस कैसे करेंगे, अब मेडिटेट करके, अपने अंदर से जुड़ करके, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी है, थोड़ा वक्त अपने मेडिटेशन के लिए निकालिए। मदर अर्थ गाया की मेडिटेशन कीजिए, उससे आप ग्राउंडिंग भी कर लेंगे और आपकी मेडिटेशन भी हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये 2-in-1 आपका काम हो जाएगा। तो ये थोड़ा वक्त आपको ज़रूर निकालना है, 10 to 15 minutes नाइट में सोने से पहले डेली आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आपके लिए कुछ देखते हैं वर्गो, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। वर्गो जनवरी क्या है मैसेजेस हैं यूनिवर्स? ओके, बहुत सारे आ रहे हैं, थोड़े से ही लेंगे। ओके, ये आना चाहता था। फर्स्ट है हमारे पास, टॉक टू योर एंजल इंस्टेड ऑफ फरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आया था, कुछ भी वरी करने से अच्छा है कि अपने एंजल से, या जिन्हें भी आप, अगर आप एंजल्स में विश्वास रखते हैं, उन्हें मानते हैं, तो एंजल से, अदरवाइज आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, ठीक है? आपको वरी नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपके हेल्थ में भी यही आया था, आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है? तो वरी करने से अच्छा है, चिंता करने से अच्छा है आप उनसे बात करें और उनसे गाइडेंस मांगें, ठीक है? जो भी सिचुएशन है, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं अटक गए हैं, कोई डिसीजन लेना है, क्रॉस रोड्स पे हैं, तो आप अपने एंजल से, अपने प्रभु से गाइडेंस मांगिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है? ये देखिए, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटिफुल वे, सब ठीक हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं सब ठीक हो जाएंगी, आपको वरी नहीं करना है। अगेन वो यही बोल रहे हैं, वरी नहीं करना है। सी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स को अचीव, जो भी चाहते थे उसे अचीव करने के बहुत नज़दीक हैं आप, यूनिवर्स भी आपको यही बता रहे हैं,
वो भी आपको यही बता रहे हैं, तो इसमें वरी नहीं करना है और आपको पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव थॉट से, ओवरथिंकिंग से दूर रहना है। अगेन यहाँ पे हमारे पास ये गोइंग विद द फ्लो आया था, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, अपने प्रभु को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, उन पे विश्वास रखिए। सेल्फ केयर, यहाँ पे कुछ लोगों को मैं कहूँगी सेल्फ केयर की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हों, या खाने पीने का या तो रूटीन आपका गलत हो, आप अच्छे से खाते नहीं हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, तो छोटी छोटी चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, खासकर अपना। बी ओरिजिनल, कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है, बी ओरिजिनल, जैसे हैं वैसे रहिए। किसी को मैं ये कहूँगी इम्प्रेस करने के लिए या कुछ भी आपको यहाँ पे ओरिजिनल रहना है, जैसे हैं आप वैसे रहना है, अपने में कुछ चेंज लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सी, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो थोड़ा समय लेती हैं, तो अगेन यहाँ पे वही है कि विश्वास रखना है आपको, आपके गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं, ठीक है। और ये है टुडे इज़ योर डे, ये आपकी जनवरी मंथ के लिए एफ्रीमेशंस है। डेली उठिए मॉर्निंग में और बोलिए टुडे इज़ माय डे, टुडे इज़ माय डे, तो ये एफ्रीमेशंस आपके माइंड को पॉजिटिव रखेंगी, आपको हैप्पी रखेंगी। तो ये थी वर्गो आपकी रीडिंग, आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो, कोई भी मैसेज मिला हो, मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो स्वागत है आपका, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।